हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो आपके लिए जॉब अपडेट है वो है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लेक्चरर यानी कि पीजीटी की कुल 98 वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन जारी किया है और इन सभी वैकेंसियों की सारी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियां जो निकाली गई हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए वो 98 वैकेंसियां हैं। इन सभी वैकेंसियों पे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए जो तारीख रखी है वो 25 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 रखी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें कि अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है, तो उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी और AWS के लिए जो फीस है वो 1000 रुपये है और SC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट इन सभी पीजीटी की वैकेंसियों पे मिनिमम 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम 37 साल रखी गई है और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है यानी जो क्रूशियल डेट है वो 1 जनवरी 2023 है। यानी कि 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट की मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट इन सभी 98 वैकेंसियों पे चेक की जाएगी। पीजीटी की पोस्ट पे आफ्टर सिलेक्शन आपका जो पे स्केल रहेगा वो 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए के बीच में रहेगा। यानी कि आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपए है और इसी बेसिक पे पे बाकी के सारे अलाउंसेस कैंडिडेट को आफ्टर सिलेक्शन दिए जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, साथ ही कैंडिडेट ने बीएड कर रखी हो, तो ऐसे कैंडिडेट इन सभी 98 पीजीटी की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी की इस नोटिफिकेशन में जो कुल वैकेंसियां हैं वो 98 वैकेंसियां हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट के पीजीटी की टीचर के लिए कुल कितनी वैकेंसियां यहाँ रखी हैं, तो उसमें बायोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री के लिए 6 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर की 2 वैकेंसी हैं, इंग्लिश के लिए 23 वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी के लिए 3 वैकेंसी हैं, हिंदी के टीचर के लिए 10 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री के टीचर की कुल 4 वैकेंसी हैं, होम साइंस में कुल 3 वैकेंसी हैं, मैथ के लिए 4 वैकेंसी हैं, म्यूजिक वोकल के लिए 2 वैकेंसी हैं, फिजिकल एजुकेशन में 6 वैकेंसी हैं, फिजिक्स की 7 वैकेंसी हैं, पोल साइंस की 9 वैकेंसी हैं, पंजाबी लैंग्वेज के लिए 7 वैकेंसी हैं, संस्कृत के लिए 2 वैकेंसी हैं और सोशोलॉजी में कुल 5 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से इन सभी 98 वैकेंसियों को जो है अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी की इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कुल कितनी निकाली है। अब बात आती है इन सभी पीजीटी की वैकेंसियों पे आपके सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, यहाँ कोई भी सेकंड स्टेज का एग्जाम या इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा ये कुल 150 नंबर का होगा और इस रिटन टेस्ट की अगर डिटेल की बात करें तो रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इस पेपर में 2 सेक्शन बनाए हुए हैं। पहले सेक्शन में जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो जनरल सब्जेक्ट के इस पार्ट ए के सेक्शन में जो है वो कवर किए जाएंगे। ये सेक्शन जो है वो कुल 50 नंबर का रखा गया है। दूसरा सेक्शन यहाँ पे जो है उसमें कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, यानी कि इस पेपर में कैंडिडेट से कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। इस पेपर में 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 40% नंबर रखे गए हैं और ये 40% नंबर कैंडिडेट को जो है दोनों ही पार्ट्स में अलग अलग सेपरेटली स्कोर करने होंगे। यानी कि आपको पार्ट ए में भी 40% नंबर स्कोर करने होंगे और पार्ट बी में भी 40% नंबर स्कोर करने होंगे अलग अलग। तो जो भी कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन सब कैंडिडेट को जो है उनकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी वैकेंसियों पे फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।